तभी मेरे पास बस में असम के युवा आए, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए 5 साल प्रैक्टिस करने के बाद जब हमारी भर्ती हो गई, सरकार ने 150,000 युवाओं को सेना से निकाल दिया, जो एक्सेप्ट कर लिया था उनको रिजेक्ट कर लिया। हमारी सरकार हमारी इस बात को नहीं समझ रही है, वो हमारे जुनून को खत्म करने पे तुली हुई है। इंकलाब बहुत मेहनत किया था सर, तब जाकर मेरा भर्ती क्लियर हुआ। सेकंड ऑप्शन सर कभी सोचा ही नहीं है सर, सर हमें जिंदा लाश बना दिया गया। मैं राहुल गांधी सर का वीडियो देखा था, तो वहाँ पे मिलने के लिए मेरा दोस्त लोग गया बिहार से, चंपारण से 1100 किलोमीटर पैदल यात्रा करके गया। जोरहाट में भी कोशिश किया था मिलने के लिए, लेकिन नहीं मिल पाया भीड़ ज़्यादा होने के बाद। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का अधिकार छीना गया। बचपन से सपना देखा था आर्मी में ज्वाइन होगा, लेकिन हम लोगों के साथ नाइंसाफी क्या है। अभी तो हम डिप्रेशन में पड़ गए, हम कहा जाएगा अभी, ये हम सोचता रहता है दिन रात में। क्या बात सर, पुराना भर्ती जो आर्मी का था वो कैंसिल कर दिया। असम में भी था सर बहुत सारे बंदे। कितने? 10,000 से ज्यादा था, 10,000। और भर्ती देखने वाला तो लाख था, इधर पे 38 लाख ने अप्लाई किया था ऑल इंडिया में, तो पुराने भर्ती सभी कैंसिल कर दिया था। हम लोग ज्वाइनिंग था ये सर डॉक्यूमेंट्स, हम ये रन स्लिप है जो फिजिकल पास करने का देता है, उसके बाद जो मेडिकल के लिए मेडिकल पास का, 10,000 से ज्यादा बच्चा सभी कैंसिल कर दिया सर। 1,50,000 और एयरफोर्स का 1,50,000 people who got into the army, which is tossed out. But shouldn't they get some compensation or something? Shouldn't something be worked out for them? Well, ideally yes, because it's not their fault. सब बर्बाद कर दिया सर, वो इसके चक्कर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी छोड़ भी दी। तो आप सेलेक्ट हुए, आप बहुत खुश थे? बहुत खुश थे सर, परिवार में सब लोग खुश थे सर। पापा की आंखों में आंसू था सर, पापा ने मेरे को देखा तो रोया वो, तो मैं भी बहुत। तो अब आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। और आप? कहीं पे जो भी मिलता है वही काम कर लेता हूँ। आपको मिलने के लिए वहाँ पे गया था, लेकिन भीड़ ज्यादा थी ना, नहीं मिल पाया, तो उसके पीछे पीछे हम माजुली आया, माजुली से इधर आया। तो क्या कर सकते हैं? पार्लियामेंट में तो रेस कर सकते हैं, मगर और क्या कर सकते हैं? ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बताता है कोविड का, ये बोलता है डिले। अच्छा, पहले कोविड का मतलब एकदम नहीं बताया कि तुम्हें नहीं लिया जा रहा? नहीं नहीं, एकदम नहीं। कितना टाइम घसीटा? दो साल। 21 से 22 तक, पूरा 22 से 22 के अंत तक। अच्छा, कहा कि आपको ले लेंगे, आपको ले लेंगे, अभी नहीं ले रहे, अभी नहीं ले रहे, अभी नहीं। 2 साल घसीटा, फिर 2 साल के बाद आपसे कहा कि नहीं लेंगे। सब सब कैंसिल। आपका नाम बोर्ड में कब आया था? 2020 में आया था? 2021 में? 2021 में आया था? 2021 का बोर्ड? हाँ सर। आप किसी से मिले क्या? राजनाथ सिंह से मिले। राजनाथ सिंह जी, उन्होंने क्या कहा? वो बोला कि भर्ती होगा, हो गया, उन्होंने लेटर भी दिया था एक, वो भी लेटर मिलने के लिए गया था दिल्ली में, वो लेटर भी लिख के भी दिया था भर्ती होगा। तो यूपी में डेली हुआ था उस टाइम, हम लोग बोला कि भर्ती होगा, अभी तुम लोग का चिंता हमारी, ऐसा बोला था कैंसर, बाद में ऐसे धोखा किया। हम लोगों ने इसमें बड़े मंत्री के बाद, क्योंकि हम लोगों भी आस्था कि ऐसा होगा, तो नहीं होना चाहिए। मनीष जी सर, ये जो स्टूडेंट्स आर्मी वाले हैं, हाँ, क्या प्लानिंग कर रहे हो? हम लोग जय जवान कैंपेन शुरू कर रहे हैं। व्हेन यू एंटर इन बिहार वी विल स्टार्ट दिस कैंपेन। नहीं, मगर मैं चाहता हूँ ये जो है 150,000 है, हाँ, इनको थोड़ा कोऑर्डिनेट करके, ऑर्गेनाइज करके, सो दैट वी पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू गिव देम सम कॉम्पेंसेशन और अग्निवीर और समथिंग। दिस इज ओनली अबाउट 150,000 लोगों का, जो जिनको जिनके साथ अन्याय हुआ है, ठीक है, उनको कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, राइट। तो वी हैव टू ऑर्गेनाइज दीज बॉयज, लाइक अभी 4 लोग आए मेरे पास, यहाँ पे 700 लोग हैं, तो इनको सब, इनका सबका इन्फॉर्मेशन लो, तो वेबसाइट लगाओ, सो दैट इनका जो इन्फॉर्मेशन है, नाम है, एड्रेस है, फोन नंबर है, ये पेपर्स हैं, वो सब वहाँ डाल सकें। यस यस, एवरीथिंग दे वुड बी एबल टू अप्रूव। वंस वी हैव कलेक्टेड दोस, देन वी विल गो टू द डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हूएवर वी हैव टू गो टू। श्योर, बट मेक श्योर दैट दिस थिंग इज सॉर्टेड आउट। थैंक यू, थैंक यू, आप उनसे आए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, घबराओ मत। ठीक है सर, कुछ ना कुछ निकाल देंगे। ठीक है सर।